हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। उम्मीद करता हूँ आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे एज ऑलवेज। तो दोस्तों, आज की एक और वैकेंसी लेके आया हूँ यूरोपियन कंट्री डेनमार्क के लिए। डेनमार्क के लिए बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पे अप्लाई किया था जब मैंने वीडियो डाली थी उस टाइम पे, बट सैलरी का क्लियर नहीं था। सैलरी उतनी नहीं दे रहे जितना कि वहाँ पे स्ट्रक्चर है सैलरी का, बट जो भी दे रहे हैं यूरोपियन कंट्री है, यूरोप में एंट्री करने का मिल जाता है, यूरोप में आपको शेंगेन का वीज़ा लग जाता है आपके पासपोर्ट में, और वहाँ पे इंटर करने के बाद एक खिड़की मिलती है आपको, एक दरवाज़ा मिलता है इंटर करने के बाद, उसके बाद अंदर तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती है। तो डेनमार्क की वैकेंसी की मैं वीडियो मैं डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूँ, बाकी आगे की डिटेल जो शेयर करूँ उससे पहले वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी सारी वैकेंसीज़ की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जो भी हमारे पास वैकेंसी डालें तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप हमारी वैकेंसी की वीडियो देख लें तुरंत। आपको नहीं तो आपके दोस्त लोगों को, आपके रिलेटिव लोगों को, किसी को तो इसका फ़ायदा होगा, और नहीं भी होगा तो आप आगे शेयर कर देंगे तो किसी का भला हो जाएगा। भला करना चाहिए, किसी का भी ज़िंदगी मिली है तो इसमें किसी न किसी का भला करना चाहिए। आपसे जितना हो सकता है किसी का भला करें, और मैं भी कोशिश करता हूँ जितना हो सकता है मेरी तरफ से, जितनी मेरी कैपेबिलिटी है उस हिसाब से मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों की हेल्प करूँ, लोगों का भला करूँ। और देखो जैसी, तो दोस्तों अभी आज वैकेंसी है डेनमार्क के लिए। डेनमार्क के लिए करी, तंदूर और साउथ इंडियन का नॉलेज वाला एक शेफ चाहिए मेरे को, जिसको करी, तंदूर और साउथ इंडियन तीनों क्विजन आता हो, कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस हो, और एजुकेशन +2 किया है तो बहुत अच्छा है, डिप्लोमा है तो और भी बहुत अच्छा है, और डिग्री है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो एजुकेशन वैसे कोई बार नहीं है, कोई इशू नहीं है इशू एजुकेशन का। 8 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो स्किल वर्कर में आपका वीज़ा लग जाएगा, बट आपने अगर डिप्लोमा किया है, डिग्री किया है, तो और ज़्यादा चांसेज आपके वीज़ा के अप्रूवल के जल्दी होने के हो जाते हैं। सैलरी जो कंपनी दे रही है आपको, मैंने आज पूछा तो बोल रहे 70,000 INR हम बैंक अकाउंट में डालेंगे, 70,000 रुपये सैलरी देंगे, फूड एकोमोडेशन सारा हमारा होगा, टैक्स हमारा होगा, जो 70,000 होगी घर पे जाएगी, उनके पॉकेट में जाएगी, ठीक है। वैसे तो जो डेनमार्क में सैलरी स्ट्रक्चर है सेफ लोगों का वो 1,40,000, 150,000, 160,000 ऐसा है, बट ये 180 से भी ज़्यादा है मेरे ख्याल से, 150 से 2 लाख के बीच में ऐसा है, 2 लाख के आसपास है सैलरी। बट कंपनी अपना अपना बजट है, अपना बचाने के लिए कम ऑफर कर रही है, बट मेरा काम है वीडियो आप तक पहुंचाना, और किसी को तो अपॉर्चुनिटी मिल जाए, मैं अगर मना कर दूंगा उनको तो कहीं और से ले लेंगे, लेकिन वो तो ले ही लेंगे, दूसरा एजेंसी वाले दे देगा उनको। तो मैं चाहता हूँ मेरे लोगों को चांस मिले यूरोप में, जो मेरे साथ जुड़े हैं उनको चांस मिले यूरोप में जाने का, इसलिए वैकेंसी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। 70,000 सैलरी, कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस, 8 से 9 साल 10 साल कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा ज़्यादा अच्छा होगा। जिसके बाद डिप्लोमा है तो 8 साल, डिप्लोमा नहीं है तो 10 साल का एक्सपीरियंस। फूड एकोमोडेशन कंपनी देगी, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, और 2 साल के बाद 1 महीने का PL मिलेगा, पे लीव मिलेगा, और आने जाने का टिकट कंपनी आपको देगी। ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, 3 से 4 महीना वीज़ा का प्रोसेस का लगेगा, और ये डेनमार्क है, यूरोपियन कंट्री है, तो प्रोसेस में 3-4 महीने का टाइम लग जाता है, और 9 to 10 hour वर्किंग होगा, वीकली ऑफ होगा। वीकली ऑफ क्या, वैसे यूरोपियन कंट्री में जो लॉ है उसके हिसाब से तो आपको वीकली 2 ऑफ होते हैं, 5 डेज वर्किंग होता है, 8 hours वर्किंग होता है, बट कंपनी के ऊपर है, कोई थोड़ा जिनका छोटा रेस्टोरेंट होता है, जो स्टैंड अलोन प्रॉपर्टीज होती है, वो लोग अपना खर्चा बचाने के लिए थोड़ा वर्किंग आवर्स बढ़ा लेते हैं, ऑफ्स कम कर देते हैं, और सैलरी भी कम दे देते हैं स्टैंड अलोन में। जैसे आप लोग गल्फ में जाते हैं, आप लोगों को पता ही है, गल्फ में तो 12 घंटे ड्यूटी 2 ऑफ करवाते हैं जो सिंगल रेस्टोरेंट वाले होते हैं, तो ऐसा ही है। तो ये है डिटेल्स मैंने लगभग आपको दे दिया। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, वर्क परमिट होगा, 3 से 4 महीने का प्रोसेस लगेगा, आपकी PCC लगेगी हमें, और मेडिकल लगेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेंगे, पासपोर्ट कॉपी लगेगी, फ़ोटो लगेगी, और रिज्यूमे लगेगा। 3 से 4 महीने में आपका वीज़ा आ जाएगा और आप फ्लाई कर सकते हैं। ये डिटेल है डेनमार्क की वैकेंसी की। अगर कोई डिटेल मेरे से छूट रही है तो प्लीज़ नीचे टाइमलाइन में मेरे जो टीम है उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक, और मंडे टू सैटरडे
आप लोग उनसे इस टाइम ड्यूरेशन में कभी भी आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी डिटेल चाहिए सारी डिटेल आपको देंगे, और अगर टाइमलाइन में आप कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देख पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन ओपन करिए, वहाँ पे भी सारे मेरे टीम के जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपके साथ शेयर किए होते हैं, उनके साथ कॉन्टैक्ट करिए। देखो मैं भी, मेरा काम है बाहर से वैकेंसीज लाना, आप तक पहुँचाना, बाकी जो डिटेल्स ये होती हैं उसके लिए आप प्लीज़ स्टाफ के साथ शेयर करिए। अभी मैं आपको अपना वीडियो अगर व्हाट्सअप का दिखाऊँ तो लगभग 700-800 लोगों का मैसेज का रिप्लाई मैं अभी तक नहीं दे पाया हूँ, क्योंकि मेरे को इतना टाइम ही नहीं होता है। इसमें से जो 150 से 200 जो मैसेज हैं वो आज के फ्रेश हैं, आज के मैसेज हैं। तो इतने लोगों का मैसेज रिप्लाई करना, फिर ये वैकेंसी क्लाइंट के साथ डील करना और वीडियोज़ वगैरह बनाना, वैकेंसीज लाना, उनको डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करना, सारा मेरा, मैं अगर अकेला आदमी कोई काम नहीं करता, टीम वर्क होता है। तो मैं इसलिए अपनी टीम रखी हुई है कि आप, वो आप मेरे को हेल्प करें, वो आप लोगों को साथ कोऑर्डिनेट करें, आप लोगों को सारी डिटेल दें, तो मैं वैकेंसियाँ लाने पर फोकस करूँ। तो प्लीज़ मेरी टीम के साथ कॉन्टैक्ट करें, जो भी जानकारी चाहिए आपको वहाँ पर मिलेगी। अगर कुछ जानकारी वहाँ पर नहीं मिल रही है तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं आपको सारी डिटेल दूँगा। तो आज के लिए इतना ही है, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, हो सकता है कल और नई वैकेंसी लेके आऊँ। तब तक के लिए जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए। जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। थैंक यू वेरी मच।